अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो जैसे मैं अपने पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ कि हम मैथ सीरीज स्टार्ट करने लगे ऑन द बायोलॉजी प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट। सो आज उसी सीरीज की दूसरी वीडियो है, लेकिन इन दिस सेकेंड वीडियो वी गन स्टार्ट द प्रैक्टिकल नंबर वन, ठीक है, बायोलॉजी का। सो हम कॉन्टेंट्स में जाकर देखते हैं कि सबसे पहला प्रैक्टिकल कौन सा है। सो सेक्शन ए के हम प्रैक्टिकल से स्टार्ट करेंगे। इसमें टोटल जो प्रैक्टिकल्स हैं वो 11 है, 11 प्रैक्टिकल्स हैं जी। तो सबसे जो पहला प्रैक्टिकल है ऑफ द सेक्शन ए, जो सेक्शन ए के जो प्रैक्टिकल्स हैं मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ, इट कंप्राइज 60% ऑफ द PBA और इसके 9 मार्क्स हैं, ठीक है। सबसे पहला यूज़ ऑफ ग्रैटिक्यूल एंड माइक्रोमीटर टू स्टडी स्टोमाटा एंड सेल। Use of graticule and micrometer to study amoeba, euglena and paramecium, ठीक है, just wait। So जी सबसे पहला परफॉर्मेंस नंबर वन, what is a compound microscope? इसमें आपको प्रैक्टिकल कॉपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एक तरह प्रैक्टिकल वर्कबुक है जिसके अंदर आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। मतलब इस लेक्चर में हम सारा प्रोसीजर भी पढ़ेंगे, जो डायग्राम्स होंगे वो भी इसके अंदर होंगी, सैम्पल पेपर्स भी होंगे, और उसके बिल्कुल एंड में मैं आप लोगों को उसका सोल्यूशन भी दिखा दिया करूँगी। एक सैम्पल पेपर होगा जिसको आप सॉल्व करेंगे, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप लोगों को आखिर ये प्रैक्टिकल किस हद तक समझ आ चुका है। और कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे उसी प्रैक्टिकल से रिलेटेड, जो आपकी टेक्स्ट बुक से भी लिए गए हैं और कुछ खुद से इन नोट्स के अंदर मौजूद हैं। स्टार्टिंग ऑफ द परफॉर्मेंस नंबर वन, दैट इज अबाउट द कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है विच इज़ यूज टू ऑब्जर्व स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो बहुत ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनको माइक्रोस्कोप की मदद से इनलार्ज करके देख सकते हैं। द माइक्रोस्कोप विद टू लेंसेज इज कॉल्ड एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। कंपाउंड वर्ड्स भी कौन से होते हैं जो मुख्तलिफ या दो कम अज़ कम दो लफ्ज़ों से मिलकर बने हो, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी कैसे माइक्रोस्कोप को बोलते हैं जो दो लेंजेज से मिलकर बना हुआ हो, ठीक है। द सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, अब ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसके लिए हमारे पास जो सोर्स ऑफ लाइट है वो सन लाइट है, ठीक है। ये अब हमने इसके एक ओवरव्यू एक डेफिनेशन टाइप से देख लिया। अब अगर हम इसके पार्ट्स की तरफ चलते हैं तो हम पार्ट्स देखते हैं कि इसके जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो हमारे पास आईपीस और ऑक्यूलर लेंस होता है, ठीक है। आईपीस एक शॉर्ट सी ट्यूब है, इसमें लेंस होता है जिसको ऑक्यूलर लेंस बोला जाता है, और इस लेंस को हम रिप्लेस कर सकते हैं हाई पावर लेंजेस के साथ। मतलब अगर वो 10 टाइम्स इनलार्ज करता है कोई लेंस, हम उसे 100 टाइम्स इनलार्ज करने वाले लेंस से भी चेंज कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। फिर बॉडी ट्यूब है, सो वट इज़ बॉडी ट्यूब, एट वन एंड ऑफ दिस ट्यूब इज प्रेजेंट ऑक्यूलर लेंस। मतलब बॉडी ट्यूब के एक एंड पे ऑक्यूलर लेंस होता है और दूसरे एंड पे इस बॉडी ट्यूब पे नोज पीस होता है, देयर फॉर इट कीप्स ऑक्यूलर एंड ऑब्जेक्टिव लेंस एट द सेम लाइन, इसका ये काम है। फिर नोज पीस आ जाता है, सो नोज पीस का क्या काम है, इट इज़ अ शॉर्ट ट्यूब प्रेजेंट एट द डिस्टल एंड ऑफ द बॉडी ट्यूब। जो नोज पीस जो है ये एक शॉर्ट सी ट्यूब है जो बॉडी ट्यूब के बिल्कुल एंड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें तीन डिफरेंट टाइप के लेंसेज होते हैं जो मैग्नीफिकेशन के काम आते हैं। हम बॉडी ट्यूब को जब रोटेट करते हैं तो नोज पीस रोटेट होता है, और हम डिफरेंट किस्म के मैग्नीफिकेशन के जो लेंसेज हैं हम उसके ज़रिए से देख सकते हैं उसको। वी आर डन विद ऑल दीज थ्री, मतलब हमने आई पीस के बारे में देख लिया, बॉडी ट्यूब भी पढ़ लिया, नोज पीस भी पढ़ लिया, अब आ रही है आर्म की। सो वट इज़ आर्म, इट इज़ यूज टू होल्ड द माइक्रोस्कोप फ्राम द साइड, ठीक है। और माइक्रोस्कोप के अंदर ये जो आर्म है इसके अंदर दो किस्म की एडजस्टमेंट्स होती हैं, एक क्रेज एडजस्टमेंट होती है, एक फाइन एडजस्टमेंट होती है। तो जो क्रेज एडजस्टमेंट है इट इज़ यूज टू मूव द बॉडी ट्यूब रैपिडली, ये जो हमने बॉडी ट्यूब पढ़ी थी ये मूव हो सकती है क्रेज एडजस्टमेंट की मदद से। और जो फाइन एडजस्टमेंट है, फाइन एडजस्टमेंट इज़ यूज टू मूव द बॉडी ट्यूब स्लोली, देयर फॉर इट गिव्स फाइन एडजस्टमेंट। अगर हमने बॉडी ट्यूब को रैपिडली चेंज करना है तो वो हम किस तरह करेंगे, वो हम कुरेज ट्यूब की मदद से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कुरेज एडजस्टमेंट की मदद से कर सकते हैं, और अगर हमें उसे स्लोली मूव करवाना है सो फाइन एडजस्टमेंट कुड बी यूज। सो अब अगर हम मूव करते हैं नीचे, वी आर हैविंग स्टेज।
सो स्टेज क्या होता है? इट इज़ अ फ्लैट सर्विस प्रेजेंट बिलो द नोज पीस. इट गिव्स सपोर्ट टू द स्लाइड. इट हैज़ टू क्लिप्स. दिस क्लिप्स आर यूज टू होल्ड द स्लाइड. स्टेज पता चल रहा है ऐसी जगह है, मतलब एक प्लेटफॉर्म सा है जिसके ऊपर स्पेसिमेन को रखा जाता है. इसके अंदर दो क्लिप्स भी होते हैं और इसकी मदद से जो स्लाइड है हम उसको होल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं कि वो जो स्पेसिमेन है वो मूव ना कर सके उसकी स्लाइड वहाँ से. डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम इट इज़ अ सर्कुलर बॉडी प्रेजेंट बिलो द स्टेज. जो डायफ्राम है वो एक सर्कुलर टाइप बॉडी है जो स्टेज, ये जो सरफेस थी प्लेटफॉर्म था उसके नीचे मौजूद होती है. और इस डायफ्राम का काम क्या, मतलब इसका फंक्शन इम्पॉर्टेंट है कि ये रेगुलेट करता है कि कितनी अमाउंट ऑफ लाइट मिरर से क्रॉस करेगी. अब मिरर किस जगह होता है? जो मिरर है वो माइक्रोस्कोप की बेस पे अटैच होता है. इसकी एक सरफेस कन्वेक्स होती है और एक सरफेस कनकेव होती है. कनकेव का मतलब है कि अंदर की तरफ होगी, बेंडेड टूवर्ड्स इनसाइड, ठीक है. और कन्वेक्स होता है टू बेंड, टू बी बेंड टूवर्ड्स आउटसाइड. तो ये हमारी कन्वेक्स सरफेस है, ठीक है. ये हमारी कन्वेक्स सरफेस है कि वो आउटवर्ड बेंड हो, और अगर वो इनवर्ड बेंड है कनकेव होगा. कनकेव का मतलब होता है जरा केव अंदर की तरफ होता है. सो यू कैन लर्न फ्रॉम दैट, रिमेंबर फ्रॉम दैट कि कनकेव जो लेंस होगा वो अंदर की तरफ बेंडेड होगा. बेस क्या होती है? इट इज़ प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द माइक्रोस्कोप. इट बियर्स द वेट ऑफ द माइक्रोस्कोप. जो बेस है, मतलब जो बेस है वो माइक्रोस्कोप की बेस पर उसके बॉटम में मौजूद होती है उसके वेट को बैलेंस करने के लिए, ठीक हो गया. सो मूविंग फॉरवर्ड्स, मैग्निफिकेशन जो है माइक्रोस्कोप की. सो द नंबर ऑफ टाइम्स विच अ माइक्रोस्कोप इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज कम्पेयर टू इट्स ओरिजिनल साइज इज नोन एज मैग्निफिकेशन. सो मैग्निफिकेशन क्या होता है कि आप कितने टाइम्स उस ऑब्जेक्ट के साइज को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है. सो प्रोसीजर ऑफ फोकसिंग द लाइट, क्या लोग देख सकते हैं कि मतलब लाइट को फोकस इस तरह किया जाता है कि माइक्रोस्कोप को टेबल पे रखा जाता है. अब जो स्पेसिमेन है उसको स्लाइड के ऊपर रखा जाएगा, क्लिप्स के अंदर उसको बंद कर दिया जाएगा. एट स्टार्ट, स्टार्ट में हम माइक्रोस्कोप को लो पावर लेंस पे रखेंगे. आहिस्ता आहिस्ता लाइट फोकस होती जाएगी. हम मिरर को रिवॉल्व करेंगे और लाइट को फोकस करेंगे. एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जहाँ लाइट मैक्सिमम हो जाएगी और वही वो बेस्ट पॉइंट होगा. और कुरेज और फाइन एडजस्टमेंट के ज़रिए हम नोज, मतलब जब मूव करते रहेंगे हम पावर लेंसेज को, और हम विजिबिलिटी जो स्पेसिमेन की वो बढ़ती चली जाएगी. अब ये हमारे पास डायग्राम है, ये अब आप लोगों को कम्प्लीट दिख रहा है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कि ये लेबलिंग के लिए भी आ सकती है. आप लोग देख सकते हैं तो मैं आप लोगों को यहाँ शो करूँ कि ये हमारे पास आई पीस है, ठीक है. दिस इज़ द आई पीस, ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है. ये वो रोटेट, अब ये आप लोग देख सकते हैं ये माइक्रोस्कोप का वो ट्यूब है, ठीक है. जैसे हम ट्यूब जो हम लोग पीछे बॉडी ट्यूब पढ़ते थे वो है. दिस इज़ द कुरेज एडजस्टमेंट, ये हमारे पास फाइन एडजस्टमेंट है. ये वो रोटेटिंग नोज पीस है, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है. अब ये जो लेंस है ये लो पावर लेंस है, ये एक हाई पावर लेंस है. ये माइक्रोस्कोप का स्टेज है, ये कंडेंसर जिसे डायफ्राम को कंडेंसर भी बोलते हैं. ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग मिरर है, ये उसका बेस या फुट है जो बैलेंस करता है सारे के सारे माइक्रोस्कोप को, ठीक है. ये पिवट है, ये हमारे पास दो क्लिप्स हैं जो इन्वॉल्व हैं. ये आर्म है जिसे माइक्रोस्कोप को होल्ड करते हैं, और ये सारे का सारा हमारे पास माइक्रोस्कोप है, ठीक है. सो इसकी जो डायग्राम है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये लेबलिंग के लिए भी आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि वो इसको ड्रॉ करने के लिए कह दें कि आप हमें ये जो डायग्राम है माइक्रोस्कोप की, ये आप हमें ड्रॉ करके भी दिखाएं, ठीक है. सो अब हम आगे बढ़ते हैं. परफॉर्मेंस नंबर टू जो है मेजरमेंट ऑफ सेल बाय माइक्रोमीट्री. सो टू टाइप्स ऑफ माइक्रोमीटर्स आर यूज इन माइक्रोमीटरी, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर. तो हमारे पास दो तरह के माइक्रोमीटर्स होते हैं, ऑक्यूलर और स्टेज माइक्रोमीटर. सो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर इट इज़ अ ट्रांसपेरेंट राउंडेड ग्लास पीस. ये आप लोगों को नीचे डायग्राम में दिख रही है. जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है ये ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास पे, जो ग्लास के पीस के ऊपर ये इंग्रेव्ड होता है इसका स्केल, ठीक है. इसके ऊपर 100 डिविजन्स होती हैं, बट द मेजरमेंट ऑफ ईच डिविजन इज़ अननोन. इसकी मतलब लेकिन हर जो डिवीजन की जो मेजरमेंट है वो हमें पता नहीं होती. और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को हम आई पीस लेंजेस के दरमियान में रखते हैं, ठीक है. ऑक्यूलर माइक्रोमीटर इज प्लेस्ड बिटवीन द टू लेंसेज ऑफ द ऑक्यूलर और आई पीस. ये हमारे पास स्टेज माइक्रोमीटर है. सो जो अब स्टेज माइक्रोमीटर, इट इज़ स्लाइड लाइक माइक्रोमीटर. इट इज़ फिक्स्ड ऑन द स्टेज विद द हेल्प ऑफ द क्लिप्स. इट हैज स्केल ऑन इट.
दिस स्केल इज़ डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स, द मेयरमेंट ऑफ दिस स्केल इज़ एज फॉलोज। इसकी मेयरमेंट हमें मालूम है, टोटल जो हमारे पास लेंथ है स्केल की, वेर हैविंग 100 डिविजन्स। 100 डिविजन इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोन। तो जो लेंथ है 1 डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर की, वो 1 डिवाइडेड बाय 100 है, यानी कि 0.1 मिलीमीटर है। देयरफॉर 1 डिवीजन, एक जो डिवीजन होगी वो स्टेज माइक्रोमीटर की, इट इज़ इक्वल टू 10 माइक्रोन, यानी 1 × 10⁻⁶। ये आप ऑक्यूलर माइक्रोमीटर और ये स्टेज माइक्रोमीटर आप लोग देख सकते हैं। अब इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, जो अपरेटस रिक्वायर्ड है, वो हमें स्टेज माइक्रोमीटर चाहिए, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए और प्रिपेयर्ड स्लाइड्स चाहिए। सो प्रोसीजर क्या है, द आईपीस इज़ रिमूव्ड, इट्स लिड इज़ ओपन, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर इज़ प्लेस्ड इन इट। मतलब कि आईपीस को हम ऊपर से रिमूव करते हैं, उसका लिड खोलते हैं, उसके अंदर ऑक्यूलर माइक्रोमीटर रखते हैं, फिर से उसको बंद कर देते हैं। अब स्टेज माइक्रोमीटर को स्टेज पर, जो माइक्रोस्कोप की स्टेज पर फिक्स करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लिप्स। अब जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है उसको राउंड में हम टर्न करते जाते हैं, जब तक ऑक्यूलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर एक दूसरे के पैरेलल नहीं आ जाते। अ लाइन इज स्ट्रेच्ड आउट वेयर अ लाइन ऑफ ऑक्यूलर एंड अ लाइन ऑफ स्टेज एग्जैक्टली। हम एक ऐसी लाइन ट्रेस आउट करते हैं, तब तक उसे रोटेट करवाते रहते हैं, जब तक कि ऑक्यूलर जो हमारे पास माइक्रोमीटर है और जो स्टेज माइक्रोमीटर है, वो एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली मैच ना कर सकें। अनदर लाइन ऑफ ऑक्यूलर स्केल इज ट्रेस्ड अवे फ्रॉम द फर्स्ट लाइन, मैच दिस लाइन टैली विद द लाइन ऑफ द स्टेज माइक्रोमीटर। अब स्टेज माइक्रोमीटर और ऑक्यूलर माइक्रोमीटर को कैलिब्रेट किया जाता है, इसको कैलिब्रेशन बोलते हैं, कि जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर और स्टेज माइक्रोमीटर की दो लाइंस जहां वो मैच कर रही होती हैं, बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ रही होती हैं। ठीक है, कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं, तो 10 डिविजन्स जो ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की या जो ग्रैटिक्यूल माइक्रोमीटर की हैं, वो 15 डिविजन्स ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर के इक्वल है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ठीक है, अब एक जो डिवीजन ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की, वो किसके इक्वल होगा, 15 डिवाइड बाय 10 डिविजन्स, यानी 1.5 डिविजन ऑफ द स्टेज। अब हमें पता है कि जो एक डिवीजन होती है स्टेज माइक्रोमीटर की, वो 0.01 मिलीमीटर के इक्वल होते हैं। तो 1.5 डिविजन्स कितने इक्वल होंगी स्टेज माइक्रोमीटर की, वो 10 × 15 हो जाएगा, यानी कि 15 मीटर्स। ठीक है, सो मेयरमेंट ऑफ द सेल किस तरीके से होगा, कि नाउ द स्टेज माइक्रोमीटर इज रिमूव्ड, द गिवन स्लाइड फॉर मेयरमेंट ऑफ स्पेसिमेन इज टेकन, दिस स्लाइड इज प्लेस्ड ऑन द माइक्रोस्कोप। फर्स्ट द नंबर ऑफ डिविजन्स ऑफ ऑक्यूलर स्केल फॉर लेंथ ऑफ द स्पेसिमेन आर काउंटेड, देन द ऑक्यूलर इज रोटेटेड एंड द नंबर ऑफ डिविजन्स फॉर द विड्थ आर काउंटेड। Suppose that the length of the object is 8 divisions of the micrometer, ocular micrometer, the length of the object will be as given in the result. अब आप लोग यहाँ से देखें कि the length of the given cell is 8 divisions थी, और हमने length कितनी ऊपर निकाली थी, हम लोगों ने length निकाली थी 15 meters, तो 8 × 15 कर लेंगे तो it is equal to 120 micrometer, ये length आ जाएगी उस given सेल की, अकॉर्डिंग टू ये हमें जो दी गई थी कि हमारे पास 8 डिविजन्स आती है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर। ठीक है, सो अब हमने सारा प्रोसीजर वगैरह पढ़ लिया, अब हम आते हैं पोस्ट लैब क्वेश्चनेयर या प्रैक्टिस शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू जो इंपॉर्टेंट है इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड। सो नेम द टू लेंसेज ऑफ माइक्रोस्कोप, ऑक्यूलर और ऑब्जेक्टिव लेंस है। फिर वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो सनलाइट यूज़ करता है, सिंपल लाइट को यूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन बीम को यूज़ करता है फॉर व्यूइंग द ऑब्जेक्ट, फॉर इलिमिनेटिंग द ऑब्जेक्ट। व्हाई इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप कॉल्ड सो? कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इसलिए कंपाउंड बोला जाता है क्योंकि ये मल्टीपल लेंजेज यूज़ करता है, ठीक है, फॉर व्यूइंग द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज मेंट बाय मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप? इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज अ मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप। पावर ऑफ रेजोल्यूशन क्या है, सो द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन विच आवर आई कैन डिफरेंशिएट इज नोन एज द रेजोल्यूशन ऑफ एन आई। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स को हम लोग व्यू कर सकें, ठीक है, उनको एग्जामिन कर सकें। फिर वट इज़ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को यूज़ करते हैं टू इलिमिनेट द ऑब्जेक्ट, टू सी द ऑब्जेक्ट। हाउ मेनी टाइम्स एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइज? सो दिस इज 250,000 times देन द नेकेड आई, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डज अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप
मैग्नीफाई, ये यहाँ इसका आंसर लिखा हुआ, नेम वेरियस टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप्स, फिर हु ऑब्जर्व द सेल्स फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वॉज रॉबर्ट हुक इन 1665, ही सॉ अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, फिर है हु इन्वेंटेड द माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसने इन्वेंट किया था, वो नॉल एंड रूसका इन 1932, व्हाट व्हेन डू यू यूज द कनकेव सरफेस एंड द प्लेन सरफेस ऑफ मिरर इन अ माइक्रोस्कोप, जो प्लेन सरफेस है मिरर का वो यूज सब होता है जब लाइट रेज को फोकस करना होता है, मतलब जो सन रेज है उनको फोकस करना होता है ऑब्जेक्ट की तरफ, जब हमने डिफ्यूज लाइट रेज को फोकस करना होता है तब हम कनकेव मिरर को यूज करते हैं, फिर व्हाट आर फोटो माइक्रोग्राफ्स, द फोटोग्राफ्स व्हिच आर टेकन थ्रू द माइक्रोस्कोप आर नोन एज़ द फोटो माइक्रोग्राफ्स, फिर है व्हाट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप कैन बी यूज फॉर ऑब्जर्विंग माइटोसिस इन लिविंग सेल्स, तो क्योंकि अब ये फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप इसके लिए खास यूज़ होता है, व्हाट इज़ फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें हम इट इज़ यूज फॉर ऑब्जर्विंग ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स एंड इट कैन इंक्रीज द कंट्रास्ट बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास व्हाट इज़ बायनोक्युलर, सो इट इज़ अ काइंड ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, बाय है ना, बाय का मतलब होता है टू, सो ये ऐसा माइक्रोस्कोप है, एक ऐसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप है जिसके अंदर दो लेंसेज होते हैं बट विद सिंगल ऑब्जेक्टिव फंक्शनल एट अ टाइम, लेकिन इसमें एक ही जो लेंस होगा ना वो फंक्शनल होगा एट अ टाइम, एक वक्त में। व्हाट टाइप्स ऑफ मिरर आर यूज्ड इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, प्लेन मिरर यूज होता है, कनकेव मिरर यूज होता है, स्टेट द फंक्शन ऑफ ऑक्यूलर लेंस, रिवॉल्विंग नोज पीस बॉडी ट्यूब डायफ्राम ऑब्जेक्ट स्टेज मिरर द आर्म बेस कोरेजर फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू, ये जो पहला जो पेज था इस पे मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें ये क्लियर की थी कि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स कौन से होते हैं, ठीक है। सो ये इसका आंसर है कंप्लीट, ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेट मी जस्ट क्लियर इट, ओके। सो ये सारे का सारा है जो शॉर्ट क्वेश्चन अभी मैंने आप लोगों को दिखाया। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कन्वर्ट 3 मिलीमीटर टू माइक्रोन या माइक्रोमीटर, तो ये इसका सोल्यूशन है, एंड कैलकुलेट हाउ मैनी नैनोमीटर्स आर इन 5 मिलीमीटर, तो इसका ये आंसर है हम लोगों के पास, ठीक है। नाउ सो नाउ वी हैव मूव्ड टूवर्ड्स द प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट PBA का सैम्पल पेपर नंबर 1, इस एक्सपेरिमेंट के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं इस बुक में उसके बारे में सैम्पल पेपर्स भी वर्कशीट्स भी बनाई गई हैं, तो इसके ज़रिए आप एग्जामिन कर सकते हो कि आपको किस हद तक जो एक्सपेरिमेंट है सारे का सारा वो कितने हद तक समझ आपको आ गया। सो पहला, गिवन बिलो इज अ डायग्राम ऑफ माइक्रोमीटरी अपरेटस सेट अप एंड अ यूनिसेलुलर स्लाइड ऑन आईपीस ग्रैटिक्यूल, ये आप लोग देख सकते हैं। व्हाट वुड बी द लेंथ ऑफ अ सेल टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट वॉज 35 डिवीजन द ग्रैटिक्यूल, ठीक है। और व्हाट वुड बी द विड्थ ऑफ अ सेल टू टू सिग्निफिकेंट फिगर्स दैट वॉज 35 डिवीजन ऑफ द ग्रैटिक्यूल, फिर हाउ मेनी ग्रैटिक्यूल डिविजन्स वुड अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दैट वॉज 240 माइक्रोमीटर टेक अप, हाउ मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप इज मेजर्ड, वट इज़ द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, फिर व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोमीटरी, व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ माइक्रोमीटर, अब ये 9 मार्क्स का टोटल एक पेपर बन गया सेक्शन ए वाला, ठीक है। ये रफ वर्क की जगह है, अगर मतलब जिनके पास ये की बुक है वो तो उसको यूटिलाइज वहीं से बातें कर सकते हैं। फिर प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट का यही PBA नंबर 2 है, इसमें व्हेन व्यूड अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप द साइज ऑफ द सेल इन द डायग्राम वॉज 20 मिलीमीटर, ठीक है। द मैग्नीफिकेशन ऑफ द इमेज वॉज इंटू प्लस 1000 टाइम्स, व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ द सेल गिवन टू यू, गिव द आंसर इन माइक्रोमीटर्स, ठीक है। द साइज ऑफ अमीबा इज 1/3 मिलीमीटर, कैलकुलेट इट्स साइज इन माइक्रोमीटर, व्हाट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप कैन बी यूज फॉर ऑब्जर्विंग द माइटोसिस इन लिविंग सेल्स, वो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप यूज होता है, व्हाट टाइप्स ऑफ मिरर्स आर यूज इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कनकेव और प्लेन मिरर यूज होता है, When do you use the concave surface and the plane surface? ठीक है, concave surface यूज़ होती है diffuse light को focus on करने के लिए, और plane surface जो होती है sunlight को एक तरफ illuminate करने के लिए। Why a compound microscope is called a compound microscope? क्योंकि इसमें different किस्म के lenses use होते हैं चीज़ को observe करने के लिए। Who first of all named and invented the compound microscope? ये वे पोस्ट लैब क्वेश्चनेयर में ये था क्वेश्चन। अब ये इसका सोल्यूशन आ गया PBA नंबर 1 का।
ठीक है, ये पी बी ए नंबर जो 1 था ये उसका सोल्यूशन है सारे का सारे। जब आप लोग सारे का सारा पी बी ए वो खुद सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद आप इसको देखिएगा ताकि आपको पता चल जाएगा कि आपका जो आपने सॉल्व किया वो किस हद तक सही है। और ये प्रैक्टिकल जो बेस असेसमेंट का सैम्पल पेपर नंबर 2 है ये उसका सोल्यूशन है। तो आज हम लोगों ने जो पी बी ए का सबसे जो पहला प्रैक्टिकल है बायोलॉजी का वो हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, सो होप सो कि आप लोगों को इस वीडियो लेक्चर में जितनी भी आपकी क्यूरीज थी इस प्रैक्टिकल रिलेटेड वो क्लियर हो गई होंगी। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।